हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि नीम प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है हमारे लिए। नीम के पेड़ का लगभग हर पार्ट्स हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए इस नीम को फार्मेसी ऑफ विलेजेस कहा जाता है। दोस्तों, आप नीम के पत्ते, फल, छाल, दातुन का उपयोग तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं नीम के फूल के भी बहुत सारे फायदे हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी नीम के फूल के फायदे और कैसे इसका उपयोग करें। तो चलिए पहले मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। यह बॉडी को ठंडा रखता है, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा रोग नहीं होने देता। यह एंटी फंगल होता है जिससे दांत खुजली नहीं होते हैं। अगर पेट में कीड़े हों तो आप इसे ज़रूर आजमाएं। पेट के लगभग सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, पाचन शक्ति ठीक करता है, भूख बढ़ाता है, मुंह से दुर्गंध को दूर करता है और मसूड़ों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कोई भी रोग वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों के कारण ही होता है। नीम के फूल के सेवन से यह तीनों दोष संतुलित रहते हैं, इसलिए इसे त्रिदोषनाशक भी बोलते हैं। डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखें, इसे आप गर्भवती महिलाओं को ना दें और छोटे बच्चों को भी ना दें। फ्रेंड्स, नीम के फूल का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, मैं कुछ तरीके आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, नीम के फूल को आप धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए तो आप इसे पीस करके इसका पाउडर बना लीजिए। अब सुबह शाम इसे हनी के साथ आप एक एक चम्मच लीजिए। हनी के साथ लेने से इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी और हनी जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, उसका भी हमारे शरीर को फ़ायदा मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसको यूज करने का मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। इसको सुखाकर बनाए गए पाउडर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जो भी सब्जी बना रहे हैं उसमें छिड़क लें और इस प्रकार से बनी सब्जी खाएं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा तरीका फ्रेंड्स, कुछ लोग इसकी सब्जी बनाकर भी खाते हैं। इसके फूल के साथ आलू मिक्स करके इसकी सब्जी बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, वो सब्जी बहुत कड़वी लगती है। चौथा तरीका है, इसके ताज़े फूल को धो करके किसी बर्तन में एक गिलास पानी डालकर इसे भी उसमें रख दें। रात को इसे ढक करके रख दीजिए और सुबह इसे पानी को छान करके पी लीजिए। खाली पेट एक कप भी ये पानी पी लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आप चाहें तो इस पानी में एक चम्मच शहद भी मिलाकर पी सकते हैं, जिससे इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। आप चटनी बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए आप इसके फूल को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और पानी डाल करके इसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। आप अगर इसमें हनी मिलाना चाहते हैं तो हनी भी मिक्स कर सकते हैं। इसकी चटनी को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें कच्चे आम और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, सप्ताह में दो बार भी सेवन करें तो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके की यूजफुल वीडियो मैं लाती रहूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।